और इस वीडियो में बताने वाले हैं वर्ब्स के रूप। पिछले दो वीडियो में बताए हैं वर्ब के रूप जो पार्ट वन और पार्ट टू करके बताते हैं, और इस वीडियो में बताने वाले हैं फिर उससे आगे वर्ब्स के रूप। अगर पूछा जाता है कि वर्ब्स के कितने रूप होते हैं, तो वर्ब्स के पांच रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और एस या यस फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इसको कहा जाता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, इसको फिर कहा जाता है पास्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, पीपी तो गलत है, प्रेजेंट पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट टेंस फॉर्म, और ये है पास्ट टेंस फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, और ये प्रेजेंट, ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म या इसको आई एन जी फॉर्म कहा जाता है, और इसको एस या ई एस फॉर्म कहा जाता है। पिछले वीडियो में जितना बताए थे उससे आगे बताने होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो है वो कितने रूप है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, यानी ग्यारह पचे पचपन, सभी के पांच रूप है। तो इसमें ग्यारह, इसमें ग्यारह, इसमें ग्यारह, ग्यारह ग्यारह, यानी ग्यारह ग्यारह गुने पांच बराबर पचपन, यानी टोटल पचपन वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला भाग। पहला है कट। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स के रूप हैं जो तीनों रूप जो है वो समान है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये जो तीनों है यानी कि वी वन वी टू वी थ्री, ये तीनों समान है। जैसे कि कट का, पुट, शूट, कोस्ट, हार्ट। ठीक है, ये सभी क्या है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, यानी पहले जो पांच इसमें वर्ब्स है उसके तीनों रूप समान है। अगर पूछा जाता है कि शूट कौन सा रूप है और किसका रूप है, तो शूट जो है वो शूट का ही रूप है। ठीक है, और शूट मीन्स क्या होता है, गोली मारना होता है, और शूट का तीनों रूप शूट ही होता है। उसी तरह से कट, तो कट का तीनों रूप कट ही होता है। फिर है पुट, तो पुट का तीनों रूप पुट ही होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट, कॉस्ट का तीनों रूप कॉस्ट ही होता है। उसके बाद है हॉट, तो हॉट का तीनों रूप हॉट होते हैं। ठीक, अब आइए स्टार्ट करते हैं कट। कट मीन्स क्या होता है, तो कट मीन्स होता है काटना। ठीक है, कट मीन्स काटना होता है, और कट का तीनों रूप कट कट कट, चौथा रूप हो जाएगा कटिंग। ठीक है, और उसके बाद पांचवा रूप हो जाएगा कट्स। ठीक है, अब उसके बाद है पुट। ठीक है, तो पुट मीन्स होता है रखना। ठीक है, तो पुट मीन्स होता है रखना, और इसका तीनों रूप होता है पुट पुट पुट, और चौथा हो जाएगा पुटिंग, और पांचवा हो जाएगा पुट्स। फिर नेक्स्ट है गोली मारना, तो शूट, शूट मीन्स गोली मारना, तो शूट शूट शूट, तीनों रूप शूट हो जाएगा, और चौथा जाएगा शूटिंग, और पांचवा जाएगा शूट्स। फिर नेक्स्ट है आगे कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स होता है दाम या कीमत। ठीक है, और कॉस्ट से रिलेटेड है कॉस्टली, सी ओ ए सी ओ एस टी एल वाई। ठीक है, कॉस्ट और कॉस्टली दोनों में अंतर है, कीमत और कीमती, कीमत यानी कि कितना प्राइस है, कितना दाम है, और कीमती वो कितना कीमती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, तो कीमत और कीमती ये विशेषण है। ठीक है, यानी कि उसकी विशेषता बताती है कि यानी कि कितना एडजेक्टिव है वो। ठीक है, कीमती। तो अब आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे, कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कीमत या दाम, तीनों रूप कॉस्ट ही हो जाएगा, और चौथा रूप जो होगा वो कॉस्टिंग होगा, और पांचवा कॉस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना या चोट करना, तीनों रूप हर्ट हो जाएगा, और चौथा रूप जो होगा वो हर्टिंग हो जाएगा, और पांचवा रूप हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी पे ही हर्ट्स मी, उसने मुझे दुख दिया, या तुम ही, तो वह मुझे दुख पहुंचाया, या वह मुझे चोट किया। ठीक है, नेक्स्ट है खाना, ईट, तो ईट का पहला रूप ईट होता है, दूसरा एट होता है, और तीसरा ईटेन होता है, तो ईट एट ईटेन, और चौथा हो जाएगा ईटिंग, और पांचवा हो जाएगा ईट्स। फिर नेक्स्ट है गो, गो मीन्स होता है जाना, तो गो का दूसरा रूप वेंट हो जाएगा, तीसरा गोन हो जाएगा, चौथा गोइंग हो जाएगा, पांचवा गोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है टेक, टेक मीन्स होता है लेना, जैसे आई टेक टी। ठीक है, मैं चाय लेता हूँ। ठीक है, या ही इज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है या चाय ले रहा है। ठीक है, लेकिन
टेक और ड्रिंक दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा रिलेटेड बता देते हैं। ड्रिंक किसी भी चीज को डायरेक्ट पीने के लिए उसमें ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वाटर, मिल्क। तो जब किसी भी चीज को चुस्की लेकर पीते हैं यानी धीरे धीरे पीते हैं तब उसके लिए टेक का प्रयोग करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट तो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं टेक का पहला रूप टेक हो जाएगा, दूसरा टूक हो जाएगा, तीसरा टेकिन हो जाएगा, चौथा टेकिंग हो जाएगा, पांचवा टेक्स हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं फिर नेक्स्ट है राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, तो लिखना का हो जाएगा राइट, दूसरा हो जाएगा रोट और तीसरा हो जाएगा रिटेन और पांच चौथा हो जाएगा राइटिंग और पांचवा हो जाएगा राइट्स। फिर नेक्स्ट है जानना, नो मीन्स होता है जानना, न्यू मीन्स होता है दूसरा रूप भी जाना और नोन मीन्स जाना गया यानी कि तीसरा रूप है। तो नो न्यू नोन और चौथा हो जाएगा नोइंग और पांचवा हो जाएगा नोज। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे गाली देना से यानी कि एब्यूज, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, एब्यूज एब्यूज्ड एब्यूज्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।